अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमआरडी ऑफिशियल टू। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन। सो गाइस, आप एनिमेशन किस तरीके से बनाकर अपनी वीडियो पर लगा भी सकते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और एनिमेशन में आपको दिखा दिखाइए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो आप जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी वीडियो पर लगा भी सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलते हैं आपकी वीडियो की जानिब। सो गाइस, अब हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। सो गाइस, मैंने इसे पहले डाउनलोड करके रखा है तो हम उसे लगा देते हैं। सो गाइस, इसके बाद आपको आपका सामने आ जाएगा क्रिएट न्यू पूरा। तो आपने क्रिएट न्यू पे जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट को दबाना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि आपको एनिमेशन जो डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। हम डाउनलोड पर जाते हैं और उस एनिमेशन को ले लेते हैं। सो गाइस, आप देखें, एनिमेशन लिया है। उसके बाद आपको उस पर कोई भी अपनी पिक लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लगाता हूँ एक। सो गाइस, मैं अपने चैनल की पिक लगा देता हूँ। सो गाइस, उसके बाद आपको ये देख सकते हैं इस शेप में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्रॉप पे जाना है, मार्क्स को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा शेप, शेप को दबाकर आपको ओवल शेप में से लाना है। देखिए, मेरा ओवल शेप मेरा आ गया। अब हम इसे कर देंगे सही। अब इसे मैं थोड़ा एडजस्ट करके सभी जगह पे लगा देता हूँ। सो गाइस, देखिए किस तरीके मैंने इसे, किस तरीके से हमने इसे अपनी जगह पर लगा दिया है। उसके बाद गाइस, इसको आपको दबा कर इन एनिमेशन में जाना पड़ेगा, स्लाइड अप करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर दोबारा सी के ऊपर क्लिक करके आउट एनिमेशन में जाकर स्लाइड डाउन करना पड़ेगा। बस देख लिया आपने, देखा आपने किस तरीके से मैंने इसे किया। उसके बाद लेयर पे जाके आपने टेक्स्ट पर जाना है। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अहमद ड्रीम्स ऑफिशियल्स टू। सो ये देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये, तो इससे थोड़ा मैं नीचे लिखना था, सॉरी शेल टू। सो गाइस, देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है। आप किस भी तरीके से लिख सकते हैं। सो गाइस, आप किस, अब जब लिख देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर पर जाना होगा, ब्लैक को दबाना, ब्लैक को दबा कर राइट ऑफ, तो आपके सामने इस तरीके में आ जाएगी। सो गाइस, इसके बाद आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाकर स्लाइड अप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा से क्लिक करके आउट एनिमेशन में जाकर स्लाइड डाउन करना पड़ेगा। सो गाइस, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद आपको करना पड़ेगा रोबो ब्लैक, इसमें आपको की स्पेलिंग मिल जाएगी। इसके बाद सही का आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका लिखा हुआ हो जाएगा। सो गाइस, अब हम वीडियो को शुरू से चलाकर चेक करते हैं। तो ऐसे एडजस्ट कर लो। इससे हमने एडजस्ट कर लिया है, तो हम इसे चलाकर चेक करते हैं कि कैसी बनी है हमारी वीडियो। सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से मैंने इसे बना लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर दबाना पड़ेगा। उसके बाद सेफ, इस वीडियो को दबाना पड़ेगा। उसके बाद स्किप कर देना पड़ेगा। अभी हमारी वीडियो सेव हो रही है। सो गाइस, एनिमेशन तो हमारी बन गई है। अब हमें उसको लगाना होगा, वो कैसे सीखेंगे। सो गाइस, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे लगाने के लिए भी सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा काइन मास्टर पर। चले चलते हैं। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको दोबारा क्रिएट न्यू पर जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट को दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट के बाद आप गाइस कोई भी एक अपनी पिक ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो अपना एनिमेशन बनाया है आपको वो लेना है। सो
सो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एनिमेशन लग गया। उसके बाद जो आपको एनिमेशन आपका जहाँ तक होगा वहाँ तक आपकी फ़ोटो को ले जाना है। सो गाइस देखिए मैंने किस तरीके से फ़ोटो को लिया है। अब मुझे इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको एनिमेशन को दबाना होगा और उसके बाद क्रोमा की पे जाके एनेबल करना होगा। सो गाइस जब आप अनेबल करेंगे तो आपका जो होगा ये ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड ये हट जाएगा। देखिए मैंने अनेबल करा तो हट गया। सो गाइस इसके बाद आपको सही के ऑप्शन में दबाना है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये लगा लिया। तो सही सो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमारा एनिमेशन हो गया तैयार। तो हम इसे भी सेव कर लेते हैं। सो गाइस ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन के भी बटन को जरूर जरूर दबा दें।